ये देखिए आज हमें कुछ घरे जामनगर की सबसे फेमस ढाबेली कैसे बनाई जाती है ये देखिए। इसमें सबसे पहले देखिए पाव लिया जाता है, पाव एकदम फ्लफी और बड़ा सा पाव रहता है। इसमें देखिए चटनी डाली जा रही है, पाव लिया जाएगा। ये क्या चटनी है भैया? चटनी मीठी चटनी वगैरह। और ये काय का मसाला आ गया इसमें? ढाबेली का मसाला। और ये सींग दाना और लहसुन की चटनी। ये भी इसके मसाले में क्या आलू का मसाला रहता है? तो भाई देखिए यहाँ पे जब देखिए पाव अपने सेके जाएंगे क्या डाले थे? बटर है भैया? ये ऑयल है। ऑयल है ये बटर में और ये ऑयल में। तो इसके प्राइस का डिफरेंस है क्या? 25 का ऑयल आएगा, बटर में 30 रुपीज का। लसन ना कूदे क्या? नहीं देख सकते हैं यहाँ पे कंटिन्यूसली है जो ढाबी लगाई जाती है और जब कंटिन्यूसली जो है सेका जाता है। देख सकते हैं यहाँ पे पार्सल होते रहते हैं, लोग आके एंजॉय करते हैं बढ़िया तरीके से। ये देखिए ऑयल डाला जा रहा है। ये देखिए अपनी मांडवी स्पेशल, देखिए स्पेशल वाली की जो आपकी ढाबली तैयार हो चुकी है। देख सकते हैं फिलिंग इतनी बढ़िया वाली फिलिंग करी गई है। जामनगर में इनका बहुत ही ज्यादा नाम है, आपको टेस्ट करके बताएंगे कैसा। ये देखिए अच्छी तरह से देखिए बड़ी सी बाइट लेंगे। टेस्ट की बात करें जाए पीनट का पूरा क्रंची बना रहा है और मैं जो है आलू का मसाला डाला गया चटनियों के साथ, बहुत ही बेहतरीन स्वाद है। अगर आप कोई अच्छी सी ढाबली की खोज में है जामनगर में तो यहाँ पे आइए। ये देख सकते हैं आपको गूगल मैप पे मिल जाएगा, मांडवी ढाबली करके लोकेशन है।